आप इमरान खान के 3 साल का जो टर्म है उसके कुछ अगर आपको पॉजिटिव बातें बतानी हो, उनकी अचीवमेंट्स बतानी हो, तो क्विकली अगर 2-4 आप अगर गिनवा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, अगर इमरान खान साहब की यहाँ पे एक दो चार चीजें मैं बताना चाहता हूँ इस पीरियड में। खान साहब ने खुद कई दफा एडमिट किया कि टीम नहीं थी उनके पास। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि हमारी टीम तैयार है। ही इज टेकिंग बेबी स्टेप्स, ही इज स्टिल एंथुसियास्टिक, लेकिन अगर सोचा जाए कि आप जिस तरह कहें कि मैं तो पहले जिस तरह आप कह रहे हैं कि चीज उनकी गिनवाएं, चीज किस तरह गिनवाएं, कि पीरियड ये भी 3 साल है सारा। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था हमारी हुकूमत आएगी, हम 6 महीने के अंदर लोगों को वो रिजल्ट्स दिखाएंगे। अच्छा अशफाक साहब, ये भी जरा बताइए, जो सऊदी पैकेज है, इसके बाद मईशत में कुछ आपको बेहतरी नजर आ रही है? अब दोबारा हमें सऊदी की तरफ जाना पड़ा है और IMF के पास भी हम टारगेट को भी नहीं अचीव कर पा रहे। क्या वजह है कि पाकिस्तान को बार बार IMF के पास पैसे मांगने के लिए जाना पड़ता है? IMF के पास जाना आपकी मजबूरी था, वो उसके बावजूद कि सऊदी अरब से भी लोन लिया था, UAE से भी। अगर खान साहब की 3 साल के अंदर अगर आपके पास कोई गिनवाने के लिए अचीवमेंट्स नहीं है, तो 2 साल में जब वो इलेक्शंस में जाएंगे तो क्या कहेंगे आवाम से? हिंदुत्व को लेके दिल्ली की तरफ मार्च कोई नहीं कर रहा है, ना ही किसी ने की है। नहीं, वहां पे भी फार्मर तो बैठे हैं, वहां पे इस तरह का मसला, फार्मर का मसला मजहब का मसला नहीं है, फार्मर का मसला इकोनॉमिक मसला है। मैं आपको एक थोड़ी सी आपको एक अच्छी खबर देता हूँ, शायद आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये खुशखबरी देंगे। ये बात कोई पाकिस्तानी मीडिया में कोट करके तो दिखाए कि जिस प्राइम मिनिस्टर को आप सारे दिन इल्जाम देते हैं। What makes Pakistan different is कि वहां पर जो IMF का प्रोग्राम है, एक जो कि पिछले 2 साल से चल रहा था, अब उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हुकूमत को दरपेश हैं। एक कोई भी इसके अलावा आप मुझे मुल्क बताएं जिनके अंदर, हमारे खित्ते के अंदर ही, जो कि IMF के प्रोग्राम के तहत चल रहे हों, तो उसके अंदर IMF की जो डिमांड्स हैं वो पाकिस्तान मीट नहीं कर पाया, इसलिए एक पैसा उनको बाहर से ला के दिखाना पड़ा कि हमारे यहाँ पे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल, आई अग्री विद यू, आपने बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। IMF की बड़ी टफ शरायत है बिलखसूस, तो द थिंग्स आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल। आप इमरान खान के 3 साल का जो टर्म है उसके कुछ अगर आपको पॉजिटिव बातें बतानी हो, उनकी अचीवमेंट्स बतानी हो, तो क्विकली अगर 2-4 आप अगर गिनवा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, अगर इमरान खान साहब की यहाँ पे एक दो चार चीजें मैं बताना चाहता हूँ इस पीरियड में। खान साहब ने खुद कई दफा एडमिट किया कि टीम नहीं थी उनके पास। खान साहब इज अ वंडरफुल लीडर हिमसेल्फ, आई नो हिम पर्सनली, ही इज वेरी सिंसियर, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट करप्ट हिमसेल्फ। लेकिन उसमें बात ये थी ना कि लोगों को लेके चलना होता है साथ, कहां से लोग लाते, वो यही लोगों को उन्होंने लेके आना था साथ, लेकिन वो एक दिन में तो चेंज सारा कुछ नहीं हो सकता। ही इज टेकिंग बेबी स्टेप्स, ही इज स्टिल एंथुसियास्टिक, लेकिन अगर सोचा जाए कि आप जिस तरह कहें कि मैं तो पहले जिस तरह आप कह रहे हैं कि चीज उनकी गिनवाएं, चीज किस तरह गिनवाएं, कि पीरियड ये भी 3 साल है सारा, अभी तो रिफॉर्म कर रहे थे। राइट नाउ व्हाटएवर इज द चॉइसेस इन पाकिस्तान, इमरान खान इज द बेस्ट चॉइस। तो आप क्या कहेंगे, इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि हमारी टीम तैयार है, हमारी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी हम 6 महीने के अंदर लोगों को वो रिजल्ट्स दिखाएंगे। अगर खान साहब की 3 साल के अंदर अगर आपके पास कोई गिनवाने के लिए अचीवमेंट्स नहीं है, तो 2 साल में जब वो इलेक्शंस में जाएंगे तो क्या कहेंगे आवाम से? कुछ ना कुछ तो कहना होगा। आज महंगाई पाकिस्तान में, माना कि कोविड है, मगर अगर आप पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें, या फिर ये कहें कि इस खित्ते के अंदर ही, बड़े सगीर के अंदर ही अगर हम देखें 3-4 मुल्कों को, तो उसमें महंगाई में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बुरे हालात हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें देखिए, पाकिस्तान में उन्होंने, खास साहब ने इलेक्शन में जाके वही बात करनी है जो बाइडन अभी जो मिड टर्म में यहाँ पे करेगा। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, उसमें परफॉर्मेंस दिखाने वाली बात को नहीं है, इशू सर्वाइवल का है कि इस वक्त आप सर्वाइव किस तरह करते हैं, और अल्टीमेटली सर्वाइविंग डेवलपिंग कंट्री का इट्स हार्डर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। और पिछले 70 साल की चीजों को खास साहब 3 साल में किस तरह कवर कर सकते थे, लेकिन ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब जब $3 बिलियन सऊदी से लेके और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में दिखाते हैं, उस पैसे को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो रोल होता रहेगा हर साल ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास पैसे हैं, ताकि IMF वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे दे। तो ये काम तो एक जो 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 इल्जाम आप करेंसी मैनिपुलेशन का माजी की हुकूमतों पर लगा रहे हैं, वो इल्जाम तो इमरान खान साहब के ऊपर भी उतना ही फिट बैठ लग सकता है। बिल्कुल, इकोनॉमिक टीम के अंदर भी चेंजेस के बारे में सोचा जा रहा है, और देखें अल्टीमेटली दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर दैट। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आप क्या अपडेट देना चाहेंगे, वहां पर क्या सिचुएशन है, काम देखिए काम हो रहा है?
नहीं, काम रुका उसमें बिल्कुल, मैं उसमें इशू है, इशू उसका डायरेक्टली रिलेटेड टू अफगानिस्तान, मैं उसको इंटरलिंक करूंगा, इट्स नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चाइना ने ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी अबैंडन कर रखा है, जिस तरीके से पहले उन्होंने अपनी गर्मजोशी दिखाई, जिस तरीके से तालिबान का ट्रिप चाइना गया और जिस तरीके से चाइना इंटरेस्टेड था अफगानिस्तान के अंदर सीपैक के प्रोजेक्ट करने के बारे में, सो चाइना हैज गॉन ऑन अ बैक फुट, दे हैव चेंज देयर प्रायोरिटी टुवर्ड्स ताइवान एंड द इंडो चाइना उसमें कॉरिडोर पे, उस चीजों पे। तो उसपे आके जब उन्होंने अफगानिस्तान से पीछे हटे हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ भी वो सर्द मोरी का मुजाहरा कर रहे हैं। दासू डैम प्रोजेक्ट में जो चाइनीज वर्कर्स मारे गए उनके लिए चाइना ने $38 मिलियन की 48 मिलियन, मेरे ख्याल में 48 मिलियन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता 38 हो 48 हो, आई गेस व्हाट मैटर्स इज कि जब दोस्ती हिमालय से ऊंची हो और सागर से गहरी हो, तो फिर $38 मिलियन उनके अगर कोई वर्कर्स मारे गए हैं उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने तो नहीं मारे हैं, व्हाई आर दे डिमांडिंग कंपनसेशन। देखिए उस अभी दासू डैम पे तो आपने जिस तरह फरमाया कि $38 बिलियन के वैसे प्रोजेक्ट अभी पड़े हैं, वो नहीं, दासू डैम का प्रोजेक्ट हैज बीन स्टॉप, जितनी इन्वेस्टमेंट वहां पे हो चुकी है, चाइना डजंट हैव एनी चॉइस, जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहे हैं सूनर और लेटर दे हैव टू फिनिश देम। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि मजहब को गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, आप ये कह रहे हैं मजहब को सियासत से अलग रखना चाहिए, मेरे दिस इज व्हाट माय ओपिनियन लिविंग इन अमेरिका, पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क बन जाना चाहिए फिर। देखिए पाकिस्तान की मजबूरी सेकुलरिज्म नहीं है, लेकिन मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए, इसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिस पे लोगों के जज्बात से खेल के वोट लेने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन दोनों ममालिक इस वक्त जो नेबर्स हैं आपके, इंडिया में भी यही हो रहा है और यहाँ पे भी यही हो रहा है, मजहब को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बिल्कुल मुसलसल, आप हिंदुत्व का आइडिया दें या यहाँ पे नामूस रसालत का दें, इससे सेम इश्यूज, मैनिपुलेशन है दोनों साइडों में। हिंदुत्व को लेकर दिल्ली की तरफ मार्च कोई नहीं कर रहा है, ना ही किसी ने की, नहीं वहां पे भी फार्मर तो बैठे हैं, वहां पे इस तरह का मजहब का मसला नहीं है, नहीं लिंचिंग तो हो रही है ना मजहब की बेस, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, थोड़ा सा होल्ड करने दीजिए, आप मजहब की बात की है मुझे, चले ये शुरू हो गई, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीती है तो मुसलमानों की दुकानों को आग लगाई गई है, हाँ मोदी मैं आपको एक थोड़ी सी एक अच्छी, आपको एक अच्छी खबर देता हूँ, शायद आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये खुशखबरी देंगे कि जिस मोदी साहब की इमेज जो लोगों ने बना रखी है कि जी वो एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों से नफरत है और बीजेपी हिंदुत्व कार्ड एंड दिस दैट एंड ऑल, लेट मी टेल यू सर, मोदी साहब ने तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख के करीब स्कॉलरशिप्स दी हैं जब से उनका टर्म आया है, उसमें से 80% स्कॉलरशिप्स मुसलमानों को दी है, मैं आपको ये बताऊं, और फिर 7.5% स्कॉलरशिप्स क्रिश्चियंस को दी है, 5% सिखों को दी है और 4.7% हिंदूज को दी है। यह बात कोई पाकिस्तानी मीडिया में कोट करके तो दिखाए कि जिस प्राइम मिनिस्टर को आप सारे दिन इल्जाम देते हैं उसने 80% स्कॉलरशिप्स मुसलमानों को दी है। अच्छा अशफाक साहब, ये भी जरा बताइए जो सऊदी पैकेज, इसके बाद मईशत में कुछ आपको बेहतरी नजर आ रही है? IMF के पास जाना आपकी मजबूरी था, ये बिल्कुल उस तरह था कि आते ही उन्होंने कहा कि ओहो नहीं हम आपके पास जाने के, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, इस तरह की बातें, फिर वो रहता है ना रियलिटी स्ट्राइक्स, तो जब उसका हकीकत का सामना हुआ तो फिर IMF के पास भी जाना पड़ा, वो उसके बावजूद कि सऊदी अरब से भी लोन लिया था, UAE से भी, जिसको आपने बिल्कुल सही, हम तो आम आदमी तो पैकेज ही कहेगा ना जी, हमारे लिए तो इसलिए था कि जी आम कर्जों की नस्बत वो बेहतर मिल रहा था, हम टारगेट को भी नहीं अचीव कर पा रहे, एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरह नहीं बढ़ रही, ये पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर जरूर आई है, और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हमारे पास इतने फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं हैं कि हम अपने गरीब तबके को उससे बचा पाएं।